बड़ी खबर आपको बता दें तो जोशीमठ में आपदा पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बोले हैं कि नए शहर बसाने को लेकर तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई है। जमीन पर निरीक्षण का काम शुरू किया गया है। पीपल कोटी, कोटीबाग समेत अन्य स्थानों पर निरीक्षण किया जा रहा है और फाइनेंस की दिक्कत ना हो इसके लिए सभी व्यवस्थाएं अब शुरू कर दी गई है। तो नए शहर को बसाने की तैयारी शुरू हो गई है, ये कहना है प्रेमचंद अग्रवाल का। और जमीन पर निरीक्षण का काम जो है वो भी शुरू हो गया है। जोशीमठ में आपदा के बाद नए शहर बसाने की तैयारी चल रही है। फौरी तौर पर वहां पर तमाम लोगों को विस्थापित किया जा रहा है और प्री फैब्रिकेट मकानों में उनको रखा जा रहा है। हमारे साथ शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। सर, बड़ी चुनौती होगी लेकिन नया टेंट सूप बनाना पड़ेगा हमें जोशीमठ को लेकर, तो किस तरह की अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं और कब तक ये तैयारी कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आज वर्तमान में डिजिटल मार्केटिंग को सीख कर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। जोशीमठ के हमारे जो प्रभावित लोग हैं उनको कैसे हम सुरक्षित स्थान पर ले जा सकें वो प्रक्रिया भी जारी है। जहाँ तक टाउनशिप की बात है तो उसमें कुछ स्थान चिन्हित किए गए हैं, उनको जब तक उनकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती, क्योंकि एक जगह से हटके हम दूसरी जगह का हम पूरा सर्वे कर लें, वहाँ फिर आने वाले समय पर कोई परेशानी उस प्रकार की ना हो, तो ये होने के बाद फिर उस बारे में हम लोग निर्णय लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों में जिस प्रकार से हमारे पूरे देश भर की 8 एजेंसीज काम कर रही हैं और इसी एजेंसीज के बाद सर्वे के बाद उनके सर्वे रिपोर्ट के बाद फिर सरकार निर्णय लेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चिंतित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का बार बार वहाँ दौरा होना, समीक्षा करना, चर्चाएँ करना, कैबिनेट उसके बाद होना, और कैबिनेट में एकमात्र एजेंडा कि जोशीमठ में हम लोग कितना और अच्छा कर सकें। जिस तरह से जोशीमठ में आपदा आई है उसके बाद जोशीमठ को एक नए टाउनशिप के तौर पर डेवलप करने की बात चल रही है, उसके लिए खाका तैयार कर लिया गया और वित्त विभाग से भी पूरी तरह से हर तरह की जो सहायता है लोगों को दी जा रही है। देहरादून से अपने सहयोग के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें तो श्रीनगर में भी कई घर ऐसे हैं जिनमें बड़ी बड़ी दरारें आना शुरू हो गया है। लोगों का आरोप है कि रेलवे के लिए बनी सुरंग से ये दरारें आने लगी है। घरों में दरार आने से अब दहशत में लोग नजर आ रहे हैं। तो जोशीमठ के बाद अब श्रीनगर ऐसा शहर है जहां के कई घरों में बड़ी बड़ी दरारें आने लगी हैं और लोग अब दहशत के साए में जीने को मजबूर है। लोगों का ये आरोप है कि रेलवे के लिए बन रही सुरंग से ये दरारें आने लगी है और अब लोगों में डर है। जल्द से जल्द इस ओर ध्यान देने की बात लोगों की तरफ से की जा रही है। और लगातार देखिए, जोशीमठ पर एक तरफ जहां संकट बरकरार है तो वहीं अब श्रीनगर के घरों में भी दरारें पड़ने लगी है। आप लोगों ने देख लिया है कि हमारे घर में बिल्कुल इतनी गंदी गंदी दरारें आ चुकी है कि हमको रात को नींद नहीं आती है। और अब तो ये जोशीमठ का हाल दुनिया ने सुन लिया है, दुनिया देख रही है और उसको देख के भी हमें इतना डर लग रहा है कि आने वाला भविष्य हमारा ऐसे ही है। और ये जैसे मैंने बताया, जोशीमठ में एक आपदा की स्थिति है लेकिन जनासू में, श्रीनगर में या अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार की स्थिति है उसका अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। पूर्व में भी एक बैठक हुई थी जिसमें जिलाधिकारी को निर्देशित हम लोगों ने किया था, सुझाव दिया था कि वो एक तृतीय पक्ष की एक समिति बनाएं जिसमें जो सर्वे जो है निष्पक्ष रूप से करें और जिसमें IIT या CBRI के विशेषज्ञ भी सम्मिलित हों ताकि सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। तो उन्होंने अभी तक क्या कार्रवाई की है, मैं उस विषय में जिलाधिकारी से बात करूँ। और इसी मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें तो कांग्रेस की टेक्निकल टीम का सर्वे पूरा हो गया है। कांग्रेस टेक्निकल टीम की रिपोर्ट आज दे सकती है। टेक्निकल रिपोर्ट पर आगे की रणनीति अब बनाई जाएगी। जोशीमठ में इस वक्त कांग्रेस की टेक्निकल टीम मौजूद है। स्थानीय लोगों से फीडबैक कांग्रेस की जो टेक्निकल टीम है वो ले रही है और ये माना जा रहा है कि जो सर्वे है वो पूरा हो गया है, आज रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।